नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, मेरा थंबनेल देख करके और नीचे की टैगलाइन देख करके आप समझ ही गए होंगे कि मैं निकलने वाला एक लॉन्ग राइड पर। और ये लॉन्ग राइड होने वाली है दिल्ली से कन्याकुमारी, और इसमें मैं जो ट्रैवल करूँगा अप्रॉक्स 6,000 किलोमीटर के आसपास। और इस ट्रिप पर मैं क्या क्या लेकर के जा रहा हूँ ये सारा सामान मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और बाकी जो भी बाइक में मैंने अपनी एसेसरीज वगैरह लगाई है ये मैं आपको सीधा रोड पर ही दिखा दूँगा। और ये है मेरी राइनोक्स की जैकेट जो मैंने परचेज़ की है करोल बाग से। इसके अंदर लेवल 2 के आर्मर सेट हैं यहाँ पर, और इसके शोल्डर्स पे और इसके चेस्ट पे। इस जैकेट को मैं कैरी करने वाला हूँ अपने साथ। और ये मेरा लैपटॉप जिसे मैं एडिटिंग वगैरह करूँगा। ये मेरा गिम्बल है, और ये मेरा चार्जर वगैरह, इसके अंदर चार्जर। और ये मेरी गोप्रो की एक बैटरी, और ये मेरा हेलमेट जिसको मैं यूज़ करूँगा। मेरा साइड के सैडल बैग हैं जिसमें मैं सारा सामान कैरी करूँगा जो पीछे बाइक के बांधकर। और ये मेरा मैट है कभी कहीं रास्ते में रेस्ट करना पड़े मुझे। और ये मेरे ओराजो के शूज़ हैं, ये पूरे वाटरप्रूफ शूज़ हैं, और ये राइडिंग के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। और ये मेरे नी गार्ड, और ये मेरा एक टैंक बैग है। टैंक बैग में स्पेस भी काफ़ी है, इसके अंदर मैं अपना फ़ोन वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। और ये वाटरप्रूफ भी है टैंक बैग, बेल्ट वाला है। एक्चुअली बेल्ट वाला मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जो मेरी बाइक है उसका जो टैंक है वो फाइबर का है। अगर मेटल का होता तो फिर मैं उसके लिए अपना मेटल वाला मैग्नेट वाला यूज़ करता हूँ। उसमें यहाँ मैग्नेट लगे होते हैं जो इजीली टैंक के साथ मैग्नेट की वजह से चिपक जाते हैं। शूज़ है ना, ये शूज़ भी काफ़ी बढ़िया लगे मेरे को, ओराजो के शूज़ हैं ये। इसका जो आगे का टो है ये मेटल का है, और इसके अंदर की जो कुशनिंग वगैरह वो भी काफ़ी कम्फर्ट है। पूरा वाटर प्रूफ है, यहाँ से कहीं से पानी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये जो इसका जो ये एंकल गार्ड है ये भी काफ़ी सपोर्टिव है यार।